डॉक्टर गर्ग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या देश में तीसरी लहर आ चुकी है? कुछ वैज्ञानिक और कुछ संस्था दावा कर रहे हैं कि 4 जुलाई से तीसरी लहर आ चुकी है। तीसरी लहर तो अभी नहीं आई है, परंतु हम उसको बुलावा जरूर दे रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि वो उसको हमें बुलावा नहीं देना, परंतु वो हमारे व्यवहारों से, जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो अपने आप से आएगी। क्योंकि जिस तरीके का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम देख रहे हैं हिल स्टेशंस पे या टूरिस्ट स्पॉट्स पे, तो अभी तीसरी वेव तो नहीं आई है, परंतु हमारे नंबर ऑफ केसेस भी हमारे कम हो रहे हैं करके, परंतु इसको हम बुलावा जरूर दे रहे हैं अपने व्यवहार के प्रति। तो आज की तारीख में ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और अभी कोविड हमारे बीच में से सार्स कोरोना वायरस गया नहीं है। कई भी कितनी स्टेट्स आप देख लीजिए जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, वहां पे अभी सीरो पॉजिटिविटी 10% से ऊपर है। अगर हम सिक्किम की बात करें, वहां सीरो पॉजिटिविटी करीबन 22% के 20% के लगभग है, और हम मणिपुर की बात करें तो वहां 15% के लगभग है। और इस तरीके से हम जब अलग अलग राज्यों की बात करते हैं, महाराष्ट्र में हमने बहुत ज्यादा केसेस देखे, केरल में बहुत सारा केसेस देखे, और जहां तक कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, अगर वो हम नहीं फॉलो करेंगे, वैक्सीनेशन हम नहीं लगाएंगे, तो हम तीसरी लहर को जरूर बुलावा देंगे। धन्यवाद। ठीक है, आप कह रहे हैं तीसरी लहर आई नहीं है, लेकिन हम बुलावा दे रहे हैं अपनी गलतियों के चलते। सीधा डॉक्टर एमवली के पास चलूंगा। डॉक्टर एमवली, कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है, आपका क्या आकलन है? और क्या रूस में जिस तरीके से हो रहा है, ब्रिटेन में जिस तरीके से हो रहा है, क्या उसे तीसरी लहर माना जाए, हाल ही में वहां पर जो केसेस बढ़े हैं? बिल्कुल दीपक जी, ये समय खबरदार रहने का और बहुत समझदारी से निकलने का घर से समय है, और प्रधानमंत्री जी ने एक हफ्ते में 2 बार चेताया है लोगों को, और इसको आप हमको, मैं ये कहता हूँ कि इसको एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए। उनके जो शब्द थे वो बहुत नरम थे, लेकिन उन शब्दों में एक बहुत सीरियस मैसेज छुपा। इंडोनेशिया का भी आपको मेंशन देखना चाहिए, करना चाहिए कि इंडोनेशिया में क्या बुरे हालात हो गए हैं। 10 दिन के अंदर वहां की हालत इतनी खराब हो गई है, और नॉर्थ ईस्ट का, जैसे अभी डॉक्टर गर्ग ने बताया, हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में कोरोना का, और वो बहुत ही बड़ी लहर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। और ये लहर नहीं कहना चाहिए इसको, तो अभी हमें सेकेंड वेव ही नहीं खत्म हुई है ये कहना चाहिए। और मैं इसमें एक बात दीपक जी जरूर कह रहा हूँ लोगों से, कि ये जो आपे से बाहर होके लोग घूमने चले गए हैं, लगता है उन्होंने अपनों में से किसी को खोया नहीं है। अगर वो ये पैसा उन लोगों के लिए रखते, उन बच्चों के लिए रखते जिनके सपने टूट गए, जिनके घर के कमाने वाले लोग खत्म हो गए कोरोना से, उनको ये अनुदान देते और उनकी खबरगिरी करते, और थोड़ा सा पैसा बचा के उस बिजली को जला के, ये उसका एसी चला के घर में रहते, तो ये शायद ज्यादा इनके लिए अच्छा होता, बजाय इसके कि वहां कोरोना का संक्रमण कर रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, जैसो के नहीं है।